तो अब देखो बच्चों, अब जो मेरा टॉपिक वो डॉट प्रोडक्ट है। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सीपीसी सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका सीपीसी सेक्शन, और तब एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैन स्केलर प्रोडक्ट बी एवर निगेटिव। क्या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है क्या वो निगेटिव हो सकता है? तो हाँ, स्केलर प्रोडक्ट तो निगेटिव होता है। किस केस में होता है? तो व्हेन व्हेन थीटा ग्रेटर हो, किससे? 90 डिग्री से। यानी अगर मान लो कि तुम अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या करते हैं इसका, ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। यानी इसका मतलब ए बी कॉस थीटा। तो अब यहां पर जैसे ही तुम थीटा की वैल्यू 90 से अधिक लोगे, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा, यानी थीटा जैसे ही तुम 90 से अधिक लोगे, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे, यानी थीटा जो तुम्हारा होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा, और थीटा से बड़ा होना चाहिए 180 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही कॉस चलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हम लोगों का प्रूफ हो गया कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट भी निगेटिव हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ, यानी वेक्टर ए दिया हुआ है, 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मतलब इस एन की वैल्यू निकालनी है यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो, और वेक्टर ए का वैल्यू यहां लिख लो, 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप डॉट, और वेक्टर बी की वैल्यू लिख लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट तोड़िए तो वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो ये देखिए, 4i कैप डॉट 2i कैप, यानी 4 × 2 कितना, 8, और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, तो यहां पर ऐसे लिख लो, आई कैप डॉट आई कैप प्लस एन जे कैप, यहां से एन और यहां पर 3, तो 3n, और ये वाला इधर से हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, फिर इसके आएगा साइन माइनस और इसके आएगा साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 × के कैप क्या आगे 1 है, तो 2 × 1 2 2 × 1 2 इंटू में के कैप डॉट के कैप। यानी ए बी, ये थीटा कितना, तो क्वेश्चन में देखिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, यानी थीटा परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो 8 i कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, ये आपको हम प्रूव करके क्लास में बताए थे। 3 × n जे कैप डॉट जे कैप 1, और के कैप डॉट के कैप भी कितना 1, ए बी कॉस 90, कॉस 90 0, मतलब ये वाला पूरा 0, इधर ये 8, इधर ये 3n, इधर माइनस 2, यानी 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6 प्लस 3n। तो इधर देखिए, इधर हो जाएगा 6 को इस साइड भेजिए, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 3n, तो यहां से n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6/3 यानी माइनस 1/2। ये इसकी यहां पर से नहीं 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 माइनस 1/2 कैसे आ जाएगा, माइनस 1/2 नहीं आएगा बच्चों, ये 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 3 पे अब चलते हैं। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर है, आर सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दियर मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 5 4 3, और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो 5 4 3 है रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, यानी हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। ये क्वेश्चन ए आई पी एम टी, ए आई पी एम टी यानी
जो आजकल मेन एग्जाम जो होता है इसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2008 में। आप क्वेश्चन बैंक मिला के देखिएगा, AIPMT का मेंस में पहले ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2008 में, जो आजकल नीट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग AIPMT को कहते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, आजकल इसे हम लोग नीट कहते हैं। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में गिवेन है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, या हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करने से, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ ऑफ द वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है लेकिन इटसेल्फ करना है, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, यानी यहां जो हमने लिया क्या ले लिया, देखो तो अब इस जगह पे एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, और इसी वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और इसी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ, और बदले में मुझे मिल जाएगा क्या, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे भाई मेरे, ये बी वेक्टर जो आया तो हम तो यहाँ पर बी डॉट बी कर रहे हैं, ये नहीं ले लिए हम, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लेकिन एंगल निकालना है हमको ए और सी के बीच में। तो तुमको बार बार याद होगा जिसके बीच का एंगल निकालना होता है रिजल्टेंट उसी का लेते हैं, तो ए और सी ले लो, तो ए और सी को इस साइड ले जाओ तो ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो बी वेक्टर बच गया, तो हम बी वेक्टर का रिजल्टेंट कर रहे हैं विथ इट सेल्फ, मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी के जगह पे ए को ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट, और फिर से इस बी वेक्टर के जगह पे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, तो चलो अब तुम इसको लिख सकते हो। अब इसको अपना 9th 10th का जो अलजेब्रा सीखा था उसका रूल लगाओ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर ए वेक्टर इनटू में ये सी वेक्टर, लेकिन साइन माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी, और फिर इस माइनस के साथ ये वाला सी के साथ, तो माइनस ये वाला सी और ये वाला ए, तो ए सी, और फिर ये साइन माइनस ये साइन माइनस, तो प्लस, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। अरे यार तुमको बताया तो थे हम कि अगर दो सेम वेक्टर का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ सी का मोड और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, और दोनों वेक्टर अगर सेम होगा, दोनों वेक्टर सेम होगा तो कॉस थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाता है, मतलब सी गुना एक बराबर सी स्क्वायर, जैसे सी स्क्वायर वैसे ही ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैंने हिंट्स के रूप में दिया है, ठीक है, और इज इक्वल टू तो बी डॉट बी करेगा तो क्या मिलेगा तुमको, बी वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, दो वेक्टर अगर सेम हो तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी अगर हम यहां पर लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो अगर ना अगर हम लोग अगर देखें तो ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो हम इसको रिजल्टेंट के टर्म में लेके जा सकते हैं, तो पहले इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्लस में सी स्क्वायर, ये माइनस ए सी माइनस 2ac। अगर तो यहां पर अगर हम लिख लें तो क्या हो जाएगा इज इक्वल, और एंगल के टर्म रिजल्टेंट अगर इस पे लगाओगे, ठीक है, रिजल्टेंट अगर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा लो रिजल्टेंट के रूप में, तो इधर बी स्क्वायर, ये बी का रिजल्टेंट नहीं, अगर स्क्वायर हटाएगा तो रिजल्टेंट लगाएगा तो नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। अब जरा देखो तो यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 2ac cos थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो 2ac cos थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पर देखो तो इसका मतलब है कि मुझे
यहां पर मैंने इस माइनस टू ए सी कॉस थीटा को इधर ले गए तो बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बाई में टू ए सी। ठीक है, अब देखो ए का वैल्यू कितना, तो देखो ध्यान दो यहां पर देखो, तो ए बी सी सभी का मैग्नीट्यूड, ए का 5, बी का 4 और सी का 3। ठीक है, तो ध्यान से अब यहां पर लिखते चले जाओ, सी का 3 है, ठीक है, तो ए का 5, तो 5 का स्क्वायर और सी का कितना 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी का 4 है, 4 का स्क्वायर अब बाई 2 इंटू ए, ए का वैल्यू 5 और फिर से सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 है, तो यहां पर हम लिख लिए 3। इसको हम सोल्व करेंगे, इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा बच्चों कितना, 18/30, ये 5 × 3 15, 9 × 2 कितना 30, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34 माइनस 16 इज इक्वल टू 18, और इसको अगर कट कर लोगे तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो जरा देखो, तो अब आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। यहां अगर प्रॉब्लम है तो बी स्क्वायर को रिजल्टेंट पर तोड़े हैं, ए स्क्वायर माइनस यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना, बी का रिजल्टेंट के रूप में लिखा है, तो इसलिए ध्यान रहे यहां पर। ठीक है, अब चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग इसका सीपीसी सेक्शन 3 देखते हैं। आ जाइए अब इसके सीपीसी सेक्शन 3 पर, और सीपीसी सेक्शन 3 की हम लोग अब बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखो बच्चों, तो हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कहता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, यानी यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू √3 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यानी आप ये देखें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो यूनिट वेक्टर के रूप में है, तो यानी आप ऐसे लिख सकते हो ए कैप का मोड इज इक्वल टू बी कैप का मोड इज इक्वल टू 1, नहीं, और तो इसीलिए अगर हम यहां पर बात करें तो ये √3 जो है यहां पर ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है, तो यानी अगर मैं यहां पर लिख लू रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, तो आप यहां पर लिख सकते हैं रूट अंडर ए कैप, ए कैप के मोड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी कैप के मोड का स्क्वायर प्लस 2 × मोड ए कैप मोड बी कैप और कॉस थीटा, इतना आ जाएगा, और रिजल्टेंट का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में कितना है, तो √3 है, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं √3 इज इक्वल टू रूट अंडर, तो यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 इंटू कॉस थीटा, यही तो थीटा हमको यहाँ पे चाहिए, थीटा निकालने के लिए यही तो हम कर रहे हैं, √3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इधर से रूट गायब हो जाएगा, तो 1 + 1 प्लस 2 cos θ, यानी 2 + 2 cos θ, यानी आपके पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 2 cos θ, यानी 3 - 2 इज इक्वल टू 2 cos θ, तो कितना मिलेगा, 1 = 2 cos θ, तो cos θ इज इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस के फंक्शन में 1/2 वैल्यू कितने पे आती है, तो 120 डिग्री पे आती है, एंगल मैंने निकाल लिया यहां से। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो यहां पर cos θ की वैल्यू 1/2 है, अगर एंगल की जरूरत पड़ेगी तो एंगल हम 120 लेंगे, वैसे हमको cos थीटा की आवश्यकता पड़ेगी इसके अलावे नहीं। तो अब देखिए मुझे निकालना क्या है, ये वाला और ये वाला का डॉट प्रोडक्ट निकालना है,
तो अब चलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, ठीक है, या ऐसे कर लो a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, ठीक है। और ये देखो इसके बाद फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या प्लस, उसके बाद ये माइनस बी वेक्टर, ये वाला तो अब माइनस साइन आ जाएगा यहाँ, ये माइनस साइन, ठीक। यहां पर आ जाएगा बी वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर, फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इतना वैल्यू आ गया मेरे पास। तो अगर यहां पर देखो तो इसको तुम इस प्रकार से लिख सकते हो, ये वाला क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको तुम लिख सकते हो 2a का स्क्वायर, नहीं 2a वेक्टर डॉट a वेक्टर सेल्फ करेगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अब इस जगह पे आ गया मेरे पास इधर इधर से मेरे पास आ रहा है क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो कितना मिलेगा, तो इसका प्रोडक्ट तो रहेगा, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये माइनस, फिर टू हटा दो, अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेगा फिर से वही आ जाएगा ए बी कॉस थीटा माइनस इधर से बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, टू ए स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेगा माइनस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, तो बच जाएगा माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, तो इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें, देखिए इसके बाद अगर इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, टू ए का वैल्यू यहां पर देखो, ए का वैल्यू भी वन बी का वैल्यू भी वन, तो वन का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू कितना, तो यहां पर जस्ट आपको पता है कि ए का वैल्यू भी वन है, तो वन इंटू वन इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है वन बाई टू, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी वन, तो वन का स्क्वायर यानी टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, ठीक है। अब इसको पूरा को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बिग यानी सीपीसी सेक्शन वन का क्वेश्चन वन का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन टू पे चलते हैं। तो बच्चों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस अल्फा के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इतना हो गया। और सुनिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह रहा है, तो एक चीज तो यहां पर देखो, तो वेक्टर ए का वैल्यू लिख लो फोर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस अल्फा के कैप इज इक्वल टू ए बी कॉस, यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू कितना लोगे, तो ये कह रहा है परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 जीरो, तो ये वाला साइड जीरो। डॉट प्रोडक्ट में आपको हम सिखाए थे आई कैप का आई के साथ, जे कैप का जे के साथ और के कैप का के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके आएगा साइन प्लस इसके आएगा साइन माइनस, तो ये 16 माइनस 16 और यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप, फिर जे कैप क्या आएगा साइन माइनस इधर वाला प्लस माइनस प्लस माइनस, टू इंटू टू फोर, फिर यहाँ जे कैप डॉट जे कैप, फिर यहाँ भी प्लस, तो प्लस फोर अल्फा इंटू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस 16 आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाता है, जे कैप डॉट जे कैप वन हो जाता है, फोर अल्फा इंटू में के कैप डॉट के कैप वन इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस 16 माइनस फोर प्लस फोर अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी माइनस 20 प्लस
अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब 4α = +20, तो अल्फा इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5, यानी अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हम लोगों के पास, क्या कहता है बच्चों, कि इफ वेक्टर a कैप प्लस 2b कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 5a कैप माइनस 4b कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a कैप एंड b कैप। हम लोगों को एंगल फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक को मान लेते हैं वेक्टर a, यानी a कैप प्लस 2b कैप को वेक्टर a मान ली, और 5a कैप माइनस 4b कैप को हम मान लिए वेक्टर b, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर से दोनों वेक्टर का वैल्यू रख लीजिए, यहां पे आसान हो जाता है बनाने में। a कैप प्लस 2b कैप, ये वेक्टर a का वैल्यू, और b कैप का वैल्यू 5a कैप माइनस 4b कैप, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर मोड वेक्टर a, मोड यहां पर फिर से मोड वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए, अब इसका सेम सेम वाला से मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिल जाएगा आपको, अगर इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो पहले ए कैप का इसके साथ, तो ए कैप डॉट 5a कैप, फिर उसके बाद माइनस ए कैप डॉट 4b कैप, यानी इस a कैप से पहले 5a कैप के साथ, फिर इसी a कैप से माइनस 4b कैप के साथ, और फिर 2b कैप से इसके साथ, फिर इसके बाद इसके साथ। नहीं, बचपन वाला गुणनखंड याद आता होगा, 2b कैप डॉट 5a कैप, और फिर इसके आएगा साइन प्लस, और इसके आएगा साइन माइनस, तो माइनस 2b कैप डॉट 4b कैप। अब देखो थीटा यहां पे कितना लोगे, तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, ए बी कॉस 90, तो ए को पार्ट तो इसका जीरो ही हो जाएगा, इधर वाला पार्ट तो जीरो हो गया, इधर बस गया 5 इंटू ए कैप डॉट ए कैप माइनस 4 इंटू यहां पर क्या आ गया, तो ए कैप डॉट बी कैप प्लस 5 इंटू 2 10, यानी ए कैप डॉट बी कैप माइनस 8 इंटू बी कैप डॉट बी कैप, ये वाला साइड पहले जीरो हो गया। अब ये 5, दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, 4 इंटू यहां पर देखो माइनस, अब ये इसको एक समय देखो, माइनस में 4 ए कैप इंटू बी कैप, यहां पर देखो प्लस में 10 इंटू ए कैप इंटू बी कैप, तो तुम इसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो पहले, तो प्लस 10 और माइनस 4, तो 10 में से 4 गया, तो 6 इंटू ए कैप डॉट बी कैप माइनस 8 इंटू बी कैप डॉट बी कैप की वैल्यू कितनी हो जाती है, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, तो 0 इज इक्वल टू कितना, तो 5 5 माइनस 8 माइनस 6 इंटू ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 इंटू ए कैप डॉट बी कैप, इतना मिल जाएगा, यानी माइनस 3 को हम इस साइड लेके जा सकते हैं, तो ये माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस में, तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ये वाला माइनस 3 इधर गया, तो अच्छा ये वाला तो प्लस में जाएगा ना, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना, ये 10 का साइन बड़ा है प्लस, तो ये आ गया 6 इंटू ए कैप डॉट बी कैप, यानी अगर हम यहां से ए कैप डॉट बी कैप निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 3/6, यानी इसको कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी तो अब ए कैप डॉट बी कैप है तो डॉट प्रोडक्ट, यानी ध्यान दो, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1/2, प्रोडक्ट तोड़ लो इसका, तो ए कैप का मोड बी कैप का मोड डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये 1 इंटू 1 इंटू cos theta, a cap unit vector ना, तो उसका mode लगा दिया, तो magnitude 1, b cap unit vector, magnitude उसका 1, into cos theta is equal to 1/2, यानी cos theta is equal to 1/2,
तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस के फंक्शन में 1/2 वैल्यू कितने पे होती है, तो 1/2 वैल्यू हम लोग के पास 60 डिग्री के एंगल पे होता है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i cap - 2j cap - k cap एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कहता है i cap + j cap, देन और ऑप्शन ए कहता फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, और बी कहता फाइंड द प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट बताइए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, यानी ए और बी के साथ एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलिए तो पहले एंगल निकालिए, पहले ऑप्शन ए पर हम लोग काम करते हैं, तो ए का पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मिलेगा हमको ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का वैल्यू ये वाला, यानी 2i cap - 2j cap - k cap डॉट बी वेक्टर का वैल्यू i cap + j cap / ab। तो ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, तो यहां पर क्या करिए, तो ए वेक्टर ये वाला, तो सभी को मोड में डाल के स्क्वायर करिए, प्लस माइनस 2j cap के मोड का स्क्वायर प्लस माइनस k कैप के मोड का स्क्वायर इनटू, अब बी की बारी, तब बी के लिए चलिए, तो बी में क्या है i cap, तो आई कैप के मोड का स्क्वायर प्लस अब क्या है जे कैप के मोड का स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये देखो i cap से i cap के साथ जे कैप से जे कैप के साथ, 2i cap - i cap बराबर कितना 2, ये माइनस साइन इस जे कैप के आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2j cap - j cap कितना 2 बाय रूट अंडर, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2j cap माइनस का स्क्वायर प्लस 2j cap मोड लगाएंगे तो j cap खत्म, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 इनटू फिर इधर i cap का मोड 1 j cap का मोड 1। तो ये अरे नीचे कुछ भी हो ऊपर जब 0 हो गया क्या उतना लिखने का झमेला, √9 × √2 इज इक्वल टू 0/3√2, कुछ सजाना यार, कितना आएगा इसका फाइनल वैल्यू, 0 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू आपके सामने आई वो कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई, मतलब 0 आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0, और कॉस के फंक्शन में 0 का मान कितना पे आता है, तो 90 डिग्री पे आता है। दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट ए। अब इसी का हम लोग पार्ट बी पे चर्चा करते हैं, तो आ जाइए अब इसी क्वेश्चन के पार्ट बी पे। तो अगर इसके लिए हम बात करें तो रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का वैल्यू 2i cap - 2j cap - k cap प्लस वेक्टर बी का वैल्यू i cap + j cap कितना मिल जाएगा आपको, 2i cap + i cap - 3i cap ये माइनस जे कैप वाला प्लस, तो क्या होगा माइनस, इधर बच जाएगा ये जे कैप, फिर इधर माइनस के कैप, अकेले इधर तो है नहीं तो माइनस में के कैप, यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 3, वाई का -1 और जेड का -1, यानी हमको एक्स पर पूछ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3, वाई पर पूछता, ठीक है,
वाई पर अगर पूछता तो वाई पे -1, अगर जेड पर पूछता प्रोजेक्शन तो जेड पर कितना होता, तो देखो ना तुम्हारे सामने में तो है जेड एक्सिस पर के कैप, तो इसका वैल्यू भी 1। तो इस तरह से ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी भी हुआ कंप्लीट। अब चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पास कहा था फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i cap + 3j cap अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i cap + j cap। चलिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कहता है कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग i cap + j cap इसके अलोंग, यानी इसका मतलब हुआ कि ए के अलोंग में, यानी ए कंपोनेंट के, ए का कंपोनेंट के साथ, यानी बी के यूनिट वेक्टर के लिए हमको यहां पर इसका वैल्यू निकालना है। तो बच्चों ये देखो b कैप यहां पर क्या बता रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि b कैप यानी b वेक्टर की ओर a वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है। तो सबसे पहले जब इसका वेक्टर कंपोनेंट के रूप में जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं a cos थीटा इंटू बी के रूप में है। तो यहां पर देखो जरा, तो हमको b के अलोंग तोड़ना है, मतलब a b cos थीटा अपॉन b इंटू में b कैप है, तो b कैप का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर बाय b, यानी मेरे पास आ जाएगा a b cos थीटा अपॉन b स्क्वायर इंटू में b वेक्टर, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिए, या आप इसी को लिख सकते हैं, ये आपका आ गया a b cos थीटा, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय में b का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू यहां पर ये वाला और बी का वैल्यू ये वाला, तो यहां पर डाल लीजिए 2i cap + 3j cap डॉट, और बी वेक्टर का वैल्यू क्या है यहां पर, तो i cap + j cap, अब बाई में इसका मैग्नीट्यूड किसका, बी का सिर्फ, तो यहां पर देखिए बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर हम इसको माने हुए हैं, तो रूट अंडर i कैप के मोड का स्क्वायर प्लस j कैप के मोड का स्क्वायर इंटू में b वेक्टर, तो b वेक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, i cap + j cap। चलिए तो अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो i कैप का डॉट प्रोडक्ट में है ना, i कैप का i के साथ j कैप का j के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 बाई रूट 2 इंटू i कैप प्लस j कैप, यानी 5/√2 इंटू i cap + j cap, दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाइए, अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ओर, क्रॉस प्रोडक्ट कहिए वेक्टर प्रोडक्ट कहिए, वो चल हम लोगों का अपना एग्जाम्पल का सेशन खत्म होने वाला है, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, जितना अधिक न्यूमेरिकल करोगे उतना ही अच्छा बनोगे, ठीक, न्यूमेरिकल ही सब कुछ, न्यूमेरिकल नहीं आया मतलब फिजिक्स नहीं आया। अब समझिए ये वेक्टर प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है बच्चों, तो पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की अब बात कर लेते हैं, टॉपिक हम लोगों का रहा वेक्टर प्रोडक्ट, और उस वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग बात करें ना तो उसमें हम लोग अधिक क्वेश्चन नहीं है बच्चों, उसके लिए घबराओ नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है, यानी पूरा टोटल मिला करके लगभग लगभग 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसका हम लोग फिर आगे एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर ये देखो तो क्वेश्चन कहता है कि इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i cap - 10j cap एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i cap - 3j cap देन कैलकुलेट द टॉर्क, यानी हम लोगों को टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग टॉर्क यानी टाउ पढ़ते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जो आप जानेंगे रोटेशन चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, बिना इसके तो रोटेशन को हम लोग चल भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, आर वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है 5i cap माइनस
थ्री जे कैप और एफ वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास फोर आई कैप माइनस टेन जे कैप। मैंने आपको वेक्टर में जब बताया था तो आपको मैं एक मैट्रिक्स मेथड बताया था, तो मैट्रिक्स मेथड यहां पर लगाते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और इस मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको बताया था कि पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप आप लिख लेना, और उसके बाद इसके नीचे आर वेक्टर की वैल्यू, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप, यानी आई कैप में कितना, आई कैप में फाइव, तो आई कैप के नीचे लिख दो फाइव, यानी ये आर वेक्टर के सामने और नीचे एफ वेक्टर। तो जे कैप के लिए, जे कैप के लिए माइनस थ्री, यहां लिख लो माइनस थ्री, और के कैप में तो कुछ है ही नहीं तो जीरो मान लो। फिर वैसे ही एफ वेक्टर के लिए, तो एफ के लिए क्या है आई कैप में फोर, तो यहाँ लगा लो फोर, और जे कैप में माइनस टेन, तो यहाँ माइनस टेन, और के कैप इसमें भी नहीं तो इसमें भी मान लो जीरो। और तुमको हम रूल बताए थे कि जब तुमको आई कैप की वैल्यू लिखनी होगी, इसकी वैल्यू आई कैप की वैल्यू, तो सुनो जरा ध्यान देना क्या करना, आई कैप के नीचे का लाइन और आई कैप के सामने का लाइन कैंसिल कर दे। ध्यान दो, आई कैप लिख रहे हो तो आई कैप के नीचे का लाइन और आई कैप के सामने का लाइन कैंसिल कर दे, तो बस क्या जाएगा माइनस थ्री, इधर जीरो, इधर ये वाला जीरो, इधर माइनस टेन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे माइनस थ्री इंटू जीरो, फिर इधर से ये वाला माइनस में जीरो इंटू माइनस टेन, जीरो इंटू माइनस टेन। चलो अब इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आई कैप की वैल्यू, हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया ध्यान देना, तो क्या समझाया, आई कैप के नीचे कैंसिल सामने कैंसिल, तो ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री इंटू जीरो, माइनस थ्री इंटू जीरो, माइनस ये वाला जीरो, जीरो इंटू माइनस टेन, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आया, ये जे कैप आ गया, ठीक है, और जे कैप का साइन हमेशा हम लोग माइनस में टेक करते हैं, तो माइनस जे कैप, ये ट्रिक है मैथमेटिक्स वाले सर जब पढ़ाएंगे ना तो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे। तो जे कैप के लिए देखिए, तो अब जे कैप के लिए क्या होगा, इसके नीचे का लाइन कैंसिल, इसके सामने का कैंसिल, तब बच कौन गए फाइव जीरो, इधर से ही जीरो, इधर फोर, यानी तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। चलो फिर इसको समझाए हैं, इसको हम लाइन को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइव 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 इंटू जीरो, यानी फाइव इंटू जीरो माइनस, फिर क्या जीरो इंटू फोर, जीरो इंटू फोर ये लिख लिए। अब फिर क्या, तो प्लस में के कैप, यहाँ पर प्लस में के कैप, तो अब के कैप के नीचे कैंसिल, के कैप के सामने कैंसिल, तो बस तो यही गया फाइव इंटू माइनस टेन माइनस माइनस थ्री इंटू फोर। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा आसान मेथड है ये, तो अब इसके नीचे कैंसिल, इसके सामने कैंसिल, तो ये बस गया फाइव इंटू माइनस टेन, तो फाइव इंटू माइनस टेन माइनस इधर कितना माइनस थ्री इंटू फोर, तो माइनस थ्री इंटू में फोर ये बच गया। तो सबसे पहले तो यहां देखो, तो आई कैप के लिए माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, यानी इसका वैल्यू जीरो आ गया, माइनस जे कैप उसका वैल्यू जीरो, प्लस के कैप तो इसका वैल्यू कितना आया, तो फाइव इंटू माइनस टेन यानी माइनस फिफ्टी, ये वाला माइनस माइनस प्लस, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस फिफ्टी प्लस ट्वेल्व, तो कितना हो जाएगा, यानी ये देखो, तो के कैप इंटू माइनस थर्टी एट, इसका पूरा वैल्यू कितना आएगा माइनस थर्टी एट के कैप, ठीक है, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया माइनस थर्टी एट के कैप, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू भी हम लोगों का सेम टू सेम ऐसा ही है, और इसी तरीके से हम लोगों को निकालना भी है। चलिए इसका ये वैल्यू हम लोग निकाल ही लेते हैं, तो देखिए इसका अब सॉल्यूशन का, जैसा आपने वन किया वैसा ही ये भी है। तो अब जरा देखिए, हम वेक्टर ए मान लेते हैं टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप थ्री जे कैप थ्री 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 जे कैप
प्लस के कैप को, ठीक है। और डी वेक्टर मान लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप को, और मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे आप, तो पहले तो आपको पता है आई कैप इधर जे कैप इधर के कैप, इसके आगे वेक्टर ए, यहाँ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के सामने वेक्टर ए की वैल्यू, तो आई कैप के सामने टू, जे कैप के सामने थ्री, और के कैप के सामने वन। वेक्टर बी के लिए आ जाओ तो आई कैप के सामने वन, जे कैप के सामने माइनस वन, और के कैप के सामने टू। तो अब जब इसका वैल्यू निकालोगे तो आई कैप के लिए, तो जस्ट बताएं आई कैप के नीचे कैंसिल सामने कैंसिल, तो बच गया ये वाला। तो इसका अब क्या करो, क्रॉस थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू अब माइनस ये वाला वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, ये हो गया। अब जे कैप के साथ हमेशा माइनस साइनस लेते माइनस लेते हैं, तो माइनस जे कैप मैथ वाले सर बड़े डेप ने बताएंगे, इसके नीचे कैंसिल इसके सामने कैंसिल, तो इसमें क्या बच गया ये टू, तो टू का क्रॉस मल्टीप्लाई टू से, तो टू इंटू टू और माइनस, आप तो जे कैप के नीचे कैंसिल किए थे इसके सामने कैंसिल, तो फिर माइनस में ये बच गया ना वन, ये वन, तो वन इंटू वन, वन इंटू वन, प्लस में के कैप इंटू, तो के कैप के नीचे कैंसिल इसके सामने कैंसिल, तो ये चारों बच गए, यानी टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू वन, तो कितना आ गया आई कैप इंटू सिक्स माइनस माइनस वन माइनस जे कैप इंटू फोर माइनस वन प्लस के कैप इंटू माइनस टू माइनस थ्री, यानी आगे आपके पास आई कैप इंटू सिक्स माइनस माइनस वन, मतलब हो गया कि सिक्स प्लस वन आई माइनस जे कैप इंटू, ये हो गया आपके पास थ्री, प्लस के कैप हो गया आपके पास माइनस फाइव, यानी सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, ये वैल्यू आ गया आपका, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको निकालना है इसका मोड, क्या निकालना बच्चों, यानी यूनिट वेक्टर के रूप में निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को तोड़ोगे तो ये होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा, इसमें एन कैप लगा देते हैं, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन कैप इज इक्वल टू हो गया ए वेक्टर, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बाई में क्या मिला आपको, तो या फिर ए बी इंटू एन कैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इधर से ए बी मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये मिल गया, तो एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो हम निकाले हुए हैं, सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, अब बाई में ए बी, यानी इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आप मोड कर लो, ठीक है। आप ऐसे कर लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड कर लो, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो, तो इसके बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर इसमें नीचे में सेवन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, यानी इसी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड निकाल रहे हैं, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। तो अब अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू जो आएगी एन कैप की, वो आ जाएगी सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, अपॉन में इसका पूरा रूट तोड़ लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 83, ठीक है। यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाई रूट 83 इंटू इंटू में आप लिख सकते हो क्या, इंटू में सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी तुम अगर चाहो तुम ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ऐसे भी तोड़ सकते हो, ए क्रॉस बी का मोड इंटू में एन कैप, तो यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू क्या मिला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बाई में
ए क्रॉस बी का मोड। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मोड तोड़ेगा तो फिर नहीं हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो तू चाहे ऐसे लिख लो चाहे उस प्रकार से लिखो, बात बराबर है। एंगल की जरूरत यहाँ पर नहीं थी तो इसके टर्म में हम लेके तोड़ दिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ना पॉज करके लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, एग्जाम्पल इसका 3 नंबर है और 3 नंबर एग्जाम्पल कहता है, चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर कहता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और सी वेक्टर कहता है 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12k कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम तो क्या कहते हैं कि पहले तुम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ही निकाल लो, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालो। तो वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, हमेशा जोर में तो समान वाला ही जुटता है, तो आपको पहले से ही पता है। हम सब का वैल्यू लिख लिए और समान वाले को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, जैसे आई कैप को आई कैप के साथ, फिर इस आई कैप को इस आई कैप के साथ, जे कैप को जे के साथ, फिर इस जे के साथ, फिर के कैप को इस के साथ, और फिर के कैप को इस वाले के साथ। कोई इतनी बात मेरी समझ में आई होगी? नहीं तो मैं इसका डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये आई कैप, ठीक है, ये वाला आई कैप यहाँ पर देखिए, लेकिन इस वाले आई कैप के सामने में यहाँ माइनस है, तो माइनस आई कैप है प्लस आई कैप, ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया 3i कैप। तो 3i कैप, फिर देखिए उसके आगे 2j कैप, ये वाला जे कैप 3j कैप, अब माइनस 3j कैप, यानी कितना हो गया प्लस में 0j कैप, जे कैप के साथ कुछ रहा ही नहीं। यहाँ देखिए प्लस 3k कैप, यहाँ 4k कैप, 3, 4, 7, 7 प्लस में है, ये माइनस 12k कैप, यानी कितना हो जाएगा माइनस 5k कैप। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3i कैप माइनस 5k कैप, इसका वैल्यू हम लिख लिए यहाँ पर। और अब कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो आपको तो पता है ए क्रॉस बी जब भी निकलेगा तो अपना मैट्रिक्स मेथड लगाइए, यानी आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ वेक्टर ए लिखिए, यहाँ पर वेक्टर बी लिखिए। तो वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है आई कैप के लिए आ जाइए तो 1, जे कैप के लिए 2, के कैप के लिए 3, वेक्टर बी के लिए आई कैप -1, जे कैप 1, के कैप 4। तो अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत बार आपको हम बताए हैं, तो 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू आ जाएगा। अब हमको एंगल निकालना है बच्चों, ठीक है, तो अगर हम इसका एंगल निकालते हैं तो अगर मान लो कि अगर मान लो हम इस वाले को मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं हम पी वेक्टर, और ए क्रॉस बी को हम मान लेते हैं क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो पी वेक्टर का मोड क्यू वेक्टर का मोड और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, यानी इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बाय पी क्यू। तो पी वेक्टर हमने इसको माना है, मतलब यहाँ पे लिखते चल जाइए 3i कैप, 3i कैप माइनस 5k कैप डॉट क्यू वेक्टर इसको माना है, तो 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप बाय पी क्यू। तो पी क्यू में क्या करोगे, तो 3i कैप के मोड का स्क्वायर प्लस माइनस में 5k कैप के मोड का स्क्वायर, ये इनटू अब क्यू की बारी, तो क्या करोगे 5i कैप के मोड का स्क्वायर प्लस माइनस 7j कैप के मोड का स्क्वायर प्लस 3k कैप के मोड का स्क्वायर, यानी टोटल वैल्यू। अब यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो आई कैप का आई के साथ,
कैप का के साथ, जे कैप अकेला भी होकर के तो 0 ही हो जाएगा, तो 3 × 5 कितना 15। इधर देखिए के कैप ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 यानी 15, 15 − 15। ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ऊपर तो 0 ही आ गया ना। अब इसको हम लिख भी लें, अगर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 × 9 = 34 डॉट। क्यू का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 25 + 49 + 9। अब इसको जोड़ने से क्या फायदा, जब ऊपर में ही 0 आ गए, पहला जोड़ने जाए, टाइम वेस्ट नहीं करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, नहीं 15 − 15 = 0, 0 / ये टर्म 0 हो गया। यानी तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, तो कॉस इनवर्स 0, यानी इसका मतलब कॉस के फंक्शन में 0 वैल्यू कितना पे आती है, तो 90 डिग्री पे आती है। ये थीटा की वैल्यू हम लोगों के सामने आ गई 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका हम लोग सीपीसी सेक्शन करते हैं, सीपीसी सेक्शन कर लेते हैं। तो अब है हम लोगों के पास सीपीसी सेक्शन। देखो अपने असाइनमेंट में, अपने असाइनमेंट में देखोगे वेक्टर प्रोडक्ट के जस्ट एग्जांपल क्या आएगा, सीपीसी सेक्शन 04 कितना आएगा बच्चों, 04। चलो इसका मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूं। चलिए क्वेश्चन कहता है कि देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप + j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू j कैप + 2k कैप। और कहता है कि फॉर दीज टू वेक्टर्स, ऑप्शन ए कहता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया। और बी नंबर ऑप्शन है मेरे पास, कहता है यू फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अगर बात करूं बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर कहता है इसका ए नंबर का, पहले ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें एडजेसेंट साइड ऑफ कह रहा है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक कॉन्सेप्ट है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही ना होता है रे पैरेललोग्राम का एरिया ए बी। अब समझिए, तो यहां पर अगर मैं इसको लगा दूं तो आई कैप, जे कैप और इधर के कैप। ठीक है, और ये जरा समझिए, तो वेक्टर ए के लिए यहां पर मैं वेक्टर ए ले लेता हूं, और यहां पर वेक्टर बी। आई कैप के लिए वेक्टर ए में है 3, और जे कैप के लिए वेक्टर ए में है 1, के कैप नहीं है तो 0। और वेक्टर बी में आ जाइए, जे कैप यानी 1, के कैप क्या आ गया 2, आई कैप ही नहीं इसमें, तो इसको 0 करिए। ठीक है, और बच्चों जब इसको एक तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि इसको पूरा अगर कैलकुलेट करिएगा ना,
जैसे हम लोग निकालते हैं ना आई कैप करके, तो इसके नीचे कैंसिल सामने कैंसिल, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, फिर जे कैप के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं साइन में, तो जे कैप के नीचे कैंसिल सामने कैंसिल, तो 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, फिर से प्लस के कैप, तो के कैप के नीचे कैंसिल सामने कैंसिल, तो ये चारों बच गया, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, यानी आई कैप इंटू कितना हो गया 2 माइनस इधर से जे कैप इंटू कितना 6 प्लस के कैप इंटू कितना 3, यानी आपके पास ये आ गया 2 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 3 k कैप, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन अब इसका तुम क्या करो, हमको तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो तो कह रहा है कि एरिया का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो एरिया हम निकाल लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना अभी डायरेक्शन के साथ है, ये वाला जो एरिया आया ये वैल्यू यही आया, लेकिन ये अभी डायरेक्शन के साथ, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी दिया रहेगा उसको मोड में लगा के उसका स्क्वायर, नहीं तो -6j कैप के मोड का स्क्वायर प्लस 3 k कैप के मोड का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 44, और 44 प्लस 4 यहाँ पर देखिए नहीं, 36 प्लस 9 45, और 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49, 49 का रूट 7, यानी 7 यूनिट इसका आंसर आ गया। अब इसी का हम लोग पार्ट बी पे बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए पार्ट बी के लिए देख लेते हैं, पार्ट बी आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, मैं डायरेक्टली अब लिखता चल रहा हूँ, बहुत बहुत आपको बेसिक कराया गया, इतना बेसिक के बाद आपकी पकड़ स्पीड बन जानी चाहिए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर तो आपको पता है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो इधर इसका मोड तोड़ लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इंटू एन कैप, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, भाई इसका प्रोडक्ट तोड़ के चाहे तो साइन थीटा लिख, या तो डायरेक्टली आप इसको मोड ला के इतना रखो, बात बराबर है, भाई मोड वेक्टर ए क्रॉस बी, अगर थीटा के रूप में नहीं दिया रहेगा साइन के रूप में नहीं ले जाना, अगर थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसको साइन के रूप में तुम ले जाना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर तुम अभी जस्ट निकाला है, ऊपर में जस्ट निकाला, मिलाना 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3 k कैप, आ इसी का जब तुम मोड किया तो तुम्हारा मोड आया 7, ये आ गया। इसको तुम अगर अलग अलग करना चाहते हो तो तुम इसको अलग अलग ऐसे भी कर सकते हो, 2/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप, इससे जाओ आंसर द क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ √3 a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए यहां पर, अब क्वेश्चन में जो दिए हुए उसका स्टेटमेंट लिखिए, √3 मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, √3 को रखे रहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ए बी साइन थीटा, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर में ए बी और नीचे में √3 ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो 1/√3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, tan थीटा
ये देखो ना, ये साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1/√3, यानी इसका मतलब 1/√3 की वैल्यू टेन के फंक्शन में 30 डिग्री पर आती है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोगों के पास है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि इफ द एरिया, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी बाई 4 कॉमा देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो जो गिवेन है पहले लिखो, ट्रायंगल का एरिया, तो इसका अगर सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, अगर मान लो इसका सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन में तो यही चर्चा है, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू एल इंटू बी। तो यहाँ फिलहाल आप दो वेक्टर दिया है, तो आप एल इंटू बी की जगह पे कर लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोल। ये इक्वल टू कितना के बराबर, तो ये ए बी बाई 4 के बराबर, ये ट्रायंगल का एरिया कितना के बराबर, ए बी बाई 4 के बराबर। तो अब जरा देखो, यानी ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसकी वैल्यू है ए बी बाई 4, मतलब ये वाला के बराबर में ए बी बाई 4 आ गया। ये 1/2 ए बी क्या कह रहा है, साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4 हो जाएगा। तो ये यहां पर से अगर मान लीजिए ये 2 से ये वाला कट जाएगा 2 टाइम्स में, नहीं, और ऊपर ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन के फंक्शन में 1/2 वैल्यू कितना पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। ये हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ मोड ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉमा मोड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है मोड वेक्टर ए, और मोड वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो दी गई है 2, और मोड वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर ये निकाल लें मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्वेश्चन हो कैपिटल में है ना बच्चों, कैपिटल में लिख लो। तो अगर यहाँ पर हम लिख लें, ये हमको दिया है मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8, ये पहले से दे रखा है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट इसका तोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8। यानी तो ए का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5, यानी 2 इंटू 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 8, यानी 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 8। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 8/10, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको कट करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 के इक्वल, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब इसके आगे जरा देखिए, तो अगर मान लो कि हम यहां से अगर कॉस थीटा लिख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - sin²
थीटा, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 4/5, तो साइन थीटा का वैल्यू डाल दिया, 4/5 का स्क्वायर कर लिए, तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, अब 5 का स्क्वायर 25, इतना हो जाएगा। अब इसका पूरा अगर एलसीएम तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, पूरा एलसीएम 25, यहाँ पर 25 माइनस 16, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी रूट अंडर 9/25, और 9/25 का रूट तोड़िएगा तो 3/5, इतना आ जाएगा। अब सुनो, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अब यहां से क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, यानी ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है 2, बी की वैल्यू 5 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया तुम्हारे पास, तो 3/5, ठीक है, तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 कितना 15, 15 × 2 30, 30/5 कट कर दो तो आ जाएगा 6, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 6। दिस इज आवर एंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से हम लोगों का पूरा एग्जाम्पल से लेकर के सीपीसी सेक्शन का सारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब इसके आगे जस्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।